हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एक्चुअली सीएमए इंटर्नशिप के लिए वैकेंसी आई है आयोसेल में और बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है बिकॉज उसका डेट ऑलरेडी ऑफर हो चुका है। तो मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे आपका आयोसेल में सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आयोसेल में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको एक्सेल के ऊपर काम करना पड़ेगा बिकॉज एक्सेल आयोसेल का मेन फोकस एरिया है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, एक्चुअली मेरा आयोसेल में सिलेक्शन हुआ था जब मैं ONGC में काम कर रहा था, तो उस टाइम मैंने आयोसेल में अप्लाई किया था एंड मेरा वहाँ पे सिलेक्शन भी हुआ था। तो जब मैं वहाँ पे गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मेरे मार्क्स पे उन्होंने लिया एंड मेरे साथ जो भी स्टूडेंट थे उनके भी मार्क्सिट उन्होंने लिए एंड सबके मार्क्स वो चेक कर रहे थे। उनका क्राइटेरिया 55% का है। अगर आपका मार्क्स 55% अबव है तो आपको वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अगर उससे कम है तो चांसेस बहुत कम है, रेयर ऐसा केसेस हो सकता है, कोई एक्सेप्शनल केसेस जिनको वो कॉल करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ था मेरे साथ एंड सेकेंड इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर उन्होंने एक MCQ सीट दिया हमें 15 to 20 स्टूडेंट्स को एंड उसमें 15 से 20 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन एक्सेल से रिलेटेड थे एंड वो 15 से 20 क्वेश्चन को आप आंसर करो एंड आंसर करने के बाद आप सबमिट कर दो, देन फिर आपके वो कॉपी चेक होती थी एंड उस सीट के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होता था। अगर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने सही शॉर्ट क्लिक किया है तो आपका इंटरव्यू थोड़ा सा इजी भी हो सकता है बिकॉज उनका क्या होता है कि जो भी उसमें क्वेश्चन होते हैं वो सारे एक्सेल के शॉर्ट कोर्स रिलेटेड होते हैं या फिर एक्सेल के फंक्शंस होते हैं। वो आपको GST के क्वेश्चंस नहीं पूछते MCQ में, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नहीं पूछते MCQ में, वो आपको अदर प्रोविजंस जो भी हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ऊपर ONGC में एक्सेल और SAP दो ऐसी एरिया है जिसके ऊपर इंडियन ऑयल में बहुत ज्यादा काम होता है। तो इंडियन ऑयल में इसलिए एक्सेल पे काम ज्यादा बच्चों को मांगते हैं बिकॉज एटलीस्ट आपको एक्सेल आना चाहिए बिकॉज SAP हो सकता है आपको नहीं आता हो, तो SAP वो आपको सिखा देंगे बट आपको एक्सेल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा, अगर आप इंडियन ऑयल में जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए इंडियन ऑयल में, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो एक्सेल के ऊपर काम करना एंड वो सब कुछ बेसिक से एडवांस, स्पेशली डी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, पाइवट टेबल हो गया, एडवांस पाइवट टेबल हो गया, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उन सब चीजों को आप सीखो, समझो, उसके शॉर्ट कोर्स के ऊपर देखो एंड शॉर्ट कोर्स को ट्राई करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम याद करने का या कैसे शॉर्ट कोर्स के ऊपर आप काम कर सकते हो जिससे आपका वहाँ पे सब कुछ ईजी हो जाए। तो आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए तभी आपका वहाँ पे सिलेक्शन होने का चांसेस हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि इंडियन ऑयल एक ऐसी कंपनी जो सबसे ज्यादा स्टाइपेंड पे करती है सीनियर ट्रेनी को 22,000। इसके अलावा बाकी जितनी भी कंपनी है जिसमें हुडको आती है सेकंड नंबर पे, वो 18,000 के आसपास वो सीनियर ट्रेनिंग को स्टाइपेंड देती है, बाकी सब 10, 12, 15 के आसपास देती है। तो अगर आपका इंडियन ऑयल में सिलेक्शन हो गया तो आप अपने CMA फाइनल का दिल्ली में रहने का खर्च एंड प्लस अब अपने अच्छे टीचर्स के यहाँ क्लासेस लेने का खर्च आप दोनों अर्न कर सकते हो आप इंडियन ऑयल से, तो आपका फ्यूचर काफी अच्छा हो जाएगा। एंड उसके बाद भी अगर आप कैंपस में भी जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वैल्यू एड ऑन करके जाएगा बिकॉज इंडियन ऑयल एक ऐसी कंपनी है जिसका टर्नओवर 5 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो आपको उतनी बड़ी कंपनी में काम करने का चांसेस मिल रहा है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड मैंने जो आपके साथ अपना इंफॉर्मेशन, जो अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो आपको बहुत हेल्प करे एंड आपको भी एग्जाम उसका क्रैक करने में, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट दिलवाने में एज ए ट्रेनिंग काफी हेल्प करे, मेरी यही मैसेज है। होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।